टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नर्स के पास डॉक्टर की आपत्तिजनक तस्वीर होने के शक में डॉक्टर ने सुपारी देकर नर्स के साथ मारपीट करवाई और उसका मोबाइल फोन भी छिनवा लिया। यह पूरा मामला उल्लासनगर का है। उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन शेख, अरशद खान, सराउद्दीन खान। पुलिस ने बताया है कि नर्स उल्लासनगर के लाइफ केयर हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से नर्स का काम कर रही थी, मगर पिछले 4 अप्रैल से वो छुट्टी पर थी और 10 अप्रैल को अस्पताल का कर्मचारी बताकर किसी ने उसे फ़ोन किया और उसे अस्पताल बुलाया गया। नर्स जब अस्पताल पहुंची, उसके बाद वहां से वापस लौट रही थी, उसी समय रास्ते में अज्ञात 2 लोगों ने नर्स के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया है। मगर नर्स की शिकायत पर जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख का भी नाम सामने आया। डॉक्टर को शक था कि नर्स के मोबाइल में उनके आपत्तिजनक तस्वीरें हो सकती है और इसीलिए डॉक्टर ने 10,000 रुपए की सुपारी सराउद्दीन खान और अरशद खान को नर्स से मोबाइल फोन छीनने के लिए दिया था और इन दोनों ने नर्स के साथ मारपीट की और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। दिनांक 10/4/22 रोजी संध्याकाळी 6:15 सुमारास यातील फिरेटी तिला ती ज्या हॉस्पिटलमध्ये काम करत होती तिथून एकाने फोन करून बोलवलं होतं की तुला आजपासून कामाला परत यायचं आहे, कारण तिला 4/4 सुट्टी दिली होती। त्यानंतर ती कामावर तिच्या बहिणीसोबत जात असताना एका इस्माने तिचा मोबाईल सी ब्लॉकच्या जवळ रोडवर तिचे केस ओढून तो खेचून नेला होता, म्हणून पोलीस स्टेशनला 130/22 कलम 392/34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। त्यानंतर याच्यात आरोपी क्रमांक 1 अटक करण्यात आली होती, त्याचा PCR घेण्यात आला होता। मग त्याचा PCR घेण्यामध्ये घेतल्यानंतर तपासामध्ये हे निष्पन्न झालं की त्याला एका आरित नावाच्या माणसानी सुपारी दिली होती की ह्या मुलीचा मोबाईल तू खेचून आण, तुला मी 2,000 रुपये देईल। त्यानंतर पुढं तपासात हे निष्पन्न झालं की ह्या गुन्ह्यामध्ये आरिफला जेव्हा अटक केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मला एक गुन्हे लाईफ केअरचे एक डॉक्टर आहेत, त्यांनी मला हे सांगितलं होतं आणि त्यांचा अजून एक तिथला माणूस आहे, त्यांनी मला सांगितलं होतं आणि त्यांनी 10,000 रुपये द्यायचे मला कबूल केले होते। त्यान्वये आम्ही ह्या 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचा 18/4/22 पावे तो PCR घेण्यात आलेला आहे आणि हे मोबाईल खेचण्याचं प्रकरण म्हणजे सुपारी देऊन मोबाईल खेचण्यास सांगण्यात आलं होतं। याचं कारण असं होतं की त्याच हॉस्पिटलमधल्या 2 लोकांचे फोटो त्या याच्यात मोबाईलमध्ये होते असे संशय ज्यांनी सुपारी दिली होती त्यांना होता, त्यावरून हे मोबाईल खेचण्याचं प्रकरण घडलेलं आहे। याच्यात त्या मोबाईलमध्ये नेमकं काय होतं असा संशय होता म्हणून तो मोबाईल खेचण्याची सुपारी, लाईफ केअरचे एक डॉक्टर आहेत त्यांना संशय होता असा होता की त्यांचे एका लेडीज बरोबरचे फोटो त्याच्यामध्ये आहेत, तो असा संशय त्यांना होता।